हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, बात करेंगे शिबा कॉइन से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की, साथ ही वेल्स को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है। तो क्या उसका इम्पैक्ट हमें शिबा के प्राइस पर देखने को मिल सकता है, और जो लगातार यहां पर साइडवेज में शिबा एक्यूमुलेट हो रहा है, क्या यहां से हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपडेट की बात कर लेते हैं, और अपडेट यहाँ पर जुड़ी हुई है डिमांड से। डिमांड का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स है, जो सर्वे किया गया उसके मुताबिक यहाँ पर जो रिपोर्ट्स निकल कर आई है उसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है शिबा इनू कॉइन को लेकर, कि इन्होंने यहाँ पर शिबा इनू कॉइन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर सोलाना और कार्डानो के साथ में, अगर सोलाना कार्डानो की बात करें, ये कुछ ऐसे कॉइन हैं जो यहाँ पर टॉप पर देखने को मिलते हैं, टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये आपको लगातार देखने को मिलते हैं। लेकिन शिबा ने भी इसमें एंट्री ले ली है, और यहाँ पर जो सर्वे किया गया था उसके मुताबिक 17% ऑफ अमेरिकन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स रिवील दैट दे वंस इन्वेस्टेड इन शिबा इनू और करेंटली होल्ड द टोकन। और इन्होंने क्या कहा हुआ है, ये 17% अमेरिकन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने, अगर हम अमेरिका की बात करें, क्रिप्टो अमेरिका में काफी ज्यादा पॉपुलर है, वहां के जो यूजर्स हैं, वहां के जो लोग हैं, वो क्रिप्टो करेंसी को काफी ज्यादा ट्रेड भी करते हैं, और इसी वजह से वहां पर जो सर्वे किया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट भी है। मतलब वहां के इन्वेस्टर्स एक तरीके से काफी प्लस पॉइंट है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। और इन्होंने क्या कहा हुआ है कि इन्होंने एक बार तो कम से कम शिबा इनू कॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है, और उसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो करेंटली इस टोकन को अभी भी होल्ड करके रख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो शिबा ने यहां पर बीट किया हुआ है जो अदर क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको भी, जिसमें अगर आप देखें यहां पर सोलाना अर्डा जैसे काफी इंपॉर्टेंट टोकन्स भी आ रहे हैं जो आउट परफॉर्म करते हुए नजर आते थे एक समय में, लेकिन शिबा अभी यहां पर इनको आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखें वो यहां पर USDT, UST, SOLADA, .ENSDAN, अदर्स काफी अदर टोकन भी आपको देखने को मिलेंगे जिसको यहां पर शिबा इनू कॉइन ने बीट किया हुआ है। यहां पर आप ये चार्ट देख सकते हैं, विच क्रिप्टो करेंसी हैव यू बॉट इन द पास्ट और करेंटली ओन, ये सर्वे किया गया था जिसमें BTC को सबसे ज्यादा यहां पर वोटिंग नंबर मिले हुए हैं। ETH यहां पर नंबर 2 पर है, Dogecoin, Binance, USDC और उसके बाद यहां पर शिबा रैंक कर रहा है। लेकिन पहले अगर आप देखेंगे तो शिबा यहां पर टॉप पर देखने को मिलता था, लेकिन उसके बावजूद शिबा ने यहां पर सोलाना, कार्डानो, पोलकाडॉट और ऐसे काफी अदर इंपॉर्टेंट टोकन्स को यहां पर बीट किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर अदर अपडेट की, जो शिबा इनू के टॉप डेवलपर है वो यहां पर क्या प्रेडिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं शिबा इनू कॉइन को लेकर, इनका यह कहना है शिबेरियम आइज नेक्स्ट बिलियन क्रिप्टो यूजर। जहां पर शिबेरियम की ब्लॉकचेन पर अगर आप देखें काफी सारे अदर टोकन्स यहां पर कनेक्टेड होते हुए नजर आ रहे हैं, इनके इकोसिस्टम का यहां पर यूज कर रहे हैं, और अगला जो बिलियनर होने वाला है वो यहां पर इसी लेयर 2 ब्लॉकचेन से होने वाला, मतलब वो यहां पर होगा जो यहां पर शिबेरियम के टोकन का यूज कर रहा है, मतलब शिबेरियम के टोकन को जिसने यहां पर खरीदा हुआ है। तो अगर आप देखें यहां पर ये काल देरी की बात हो रही है जो शिबा की टीम के एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, और उन्होंने यहां पर ये ट्वीट करके जानकारी दी है। इन्होंने यहां पर ट्वीट किया हुआ है, गेम ओवर, द नेक्स्ट बिलियन यूजर्स आर गोइंग टू बी ऑन शिबेरियम एंड शिब, जहां पर जो अगला बिलियनर यूजर होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखें क्रिप्टो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें से काफी सारे बिलियनर्स निकलते हुए दिखाई देंगे, अभी भी अगर आपने देखा होगा लास्ट 1 मंथ में काफी लोगों यहां पर मिलियन ऑफ अमाउंट इस इंडस्ट्री ने दिया होगा। जहां पर अगर हम शिबा की बात करें, बोंक की बात करें, काफी सारे मीम कॉइंस जो यहां पर लगभग 1000% के आसपास तक ग्रोथ इनके प्राइसेस में देखने को मिली है, जिस वजह से यहां पर उम्मीद की जा रही है कि अगला जो यहां पर इवेंट होने वाला है, जिस प्रकार से यहां पर शिबेरियम का यूज केस बढ़ रहा है, यूटिलिटी बढ़ रही है, शिबेरियम से जो टोकन कनेक्ट हो रहे हैं वो यहां पर अब बढ़ते हुए नजर आएंगे, उनसे यहां पर एक बड़ा अमाउंट जो है वो यूजर्स को अर्न करने का मौका मिलेगा। कॉइन बेस, बाइनेंस, रॉबिनहुड एड ऑलमोस्ट 6 ट्रिलियन शिबा इनू इन अ डे। जहां पर अगर हम कॉइन बेस की बात करें, बाइनेंस, रॉबिनहुड की बात करें, इन्होंने यहां पर एक ही दिन कितने टोकन को ऐड किया हुआ है, लगभग 6 ट्रिलियन टोकन को यहां पर इनके द्वारा ऐड किया गया। ऑलमोस्ट अगर आप देखें ये लीडिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये चारों पांचों आप देख सकते हैं, जिसमें कॉइन बेस भी आ गया, रॉबिनहुड भी आ गया, इसके अलावा बाइनेंस भी आ गया। इन्होंने यहां पर लगभग 6.84 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन को एक्यूमुलेट किया हुआ है, और प्राइस की अगर हम बात करें, जो प्राइस है वो लगातार यहां पर कंसोलिडेट हो रहा है इसी जोन में, लगभग $0.00003 के लेवल पर। मतलब एक्सचेंजेस को बाय करने का अगर आप यहां पर एक मतलब समझेंगे तो वो लगातार बाय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स की डिमांड यहां पर बढ़ रही है, यूजर्स इनके थ्रू यहां पर इसमें ट्रेडिंग ले सकते हैं, इस वजह से इनके द्वारा बाइंग की जा रही। तो यहां पर 3 के लेवल पर बाइंग की गई है, और ये एक प्रकार से वेल्स भी है जो लगातार यहां पर इसमें एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यहां पर जो टॉप क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने क्या कहा हुआ है, उनका ये मानना है कि शिबा की जिस प्रकार से यूटिलिटी ग्रो हो रही है, अब ये मीम स्टेटस से काफी आगे निकल चुका है, मतलब अब ये कोई मीम कॉइन नहीं रहा। जिस प्रकार से यहां पर इसका यूज केस बढ़ रहा है, इसकी यूटिलिटी बढ़ रही है, इनके यहां पर इकोसिस्टम में जिस प्रकार के फंडामेंटली डेवलपमेंट हो रहे हैं, अब हम इसे एक मीम कॉइन नहीं कह सकते, अब यहां पर ये बियॉन्ड पहुंच चुका है, मतलब इसकी यूटिलिटी ग्रो हो रही है और फंडामेंटली ये काफी अच्छा कॉइन बनता हुआ नजर आ रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग कॉइन बनता हुआ नजर आ रहा है। शिबा के जो लीड डेवलपर है उनका एक और ट्वीट आया हुआ है, हम सितोशी कुसामा की बात कर रहे हैं, और इन्होंने ये कहा हुआ है, पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी विद दिस शिप प्रोजेक्ट। मतलब इन्होंने यहां पर ये जो प्रोजेक्ट आया हुआ है, ये प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो यहां पर NFT लॉन्च किया है उसको लेकर इन्होंने
ने यहाँ पर ये ट्वीट किया हुआ है, यू थिंक फ्लोर आई थिंक पैसिव इनकम फॉर लाइफ। और इन्होंने क्या कहा हुआ है, इन्होंने ये कहा हुआ है कि मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट से पैसिव इनकम के बारे में सोच रहा हूँ, एक ऐसी इनकम जो आपको लाइफ लॉन्ग मिलते हुए नजर आएगी, लाइफ टाइम आपको यहाँ पर ये जो इनकम है ये प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा। आई थिंक पैसिव इनकम फॉर लाइफ, वी आर नॉट द सेम। यहाँ पर अगर आप देखें, ये सिंबोसिस की बात भी हो रही है, जो इनका NFT लॉन्च हुआ है, जिसके प्राइस की अगर बात करें वो अभी यहाँ पर कम है, लेकिन इन्होंने कहा हुआ है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आपके लिए यहाँ पर पैसिव इनकम बन सकता है लाइफ टाइम के लिए, जो आपको यहाँ पर अमाउंट देता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर शिबा इनू पार्टनर टोकन, मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो नया टोकन लॉन्च हुआ है शिबेरियम के इकोसिस्टम में, 0.0035 डॉलर के लेवल पर पहुंच चुका है अपॉन 700% सर्च फ्रॉम लॉन्च प्राइस। मतलब यहाँ पर इसका जो लॉन्च प्राइस था उससे ये लगभग 700% तक बढ़ चुका है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं K9 की, एक क्रिप्टो करेंसी जो यहाँ पर कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुई है, पार्टनरशिप यहाँ पर शिबा के इकोसिस्टम में हुई है। इससे पहले बेड आइडिया को भी आपने देखा होगा, उसमें अगर आप जुड़े होंगे तो उसने भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट निकाल कर दिया होगा। और ये टोकन भी यहाँ पर अब शिबा के साथ, मतलब शिबेरियम के साथ पार्टनरशिप कर चुका है, और अपना रिसेंटली इसने न्यू ऑल टाइम हाई हिट कर दिया है K9 फाइनेंस DAO। मार्च 7 को यहाँ पर ये लॉन्च हुआ था, नेटिव टोकन इनका K9 है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें शिबेरियम के साथ इसकी पार्टनरशिप, शिबेरियम का ये यूज कर रहा है, और इसका अगर आप ऑल टाइम हाई देखें जो इसने 11th ऑफ मार्च को क्रिएट किया, 35 डॉलर का लेवल 30 के साथ। और अगर आप इसके लोवेस्ट लेवल को देखें तो अर्लियर जो यहाँ पर इसका लोवेस्ट लेवल था वो लगभग 4048 के साथ बना हुआ था, तो एक बड़ी स्पाइक इसके प्राइस में देखने को मिली है। और इस प्रकार से और भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये शिबेरियम के इकोसिस्टम से जुड़ चुका है, और शिबेरियम के इकोसिस्टम पर जो टोकन आ रहे हैं शुरुआती स्टेज में उनके प्राइसेस में अच्छी खासी मूवमेंट भी देखने को मिल रही है, इसलिए आप यहाँ पर इनमें अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अगर बाय करना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मूवमेंट्स देखने को मिली है, BTC ने अपना नया ऑल टाइम हाई हिट कर दिया था, अभी यहाँ पर अराउंड 72,000 डॉलर के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम शिबा इनू कॉइन की बात करें, नंबर 11 पर आ चुका है, जहाँ पर AVX ने इसे बीट किया, क्योंकि AVX ऑलमोस्ट यहाँ पर 10% के आसपास बढ़ा हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर शिबा इनू कॉइन की, लगभग यहाँ पर 19.15 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, और नंबर 11 पर ये रैंक कर रहा है, 32 डॉलर के लेवल पर अभी भी ये बना हुआ है। मतलब यहाँ पर अगर हम इसके प्राइस को देखें, ये प्राइस जो है वो यहाँ पर आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा, 30 यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर रहा है, सपोर्ट से लगातार बाउंस बैक कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोएस्ट लेवल हिट किया हुआ है लास्ट 24 आवर्स में, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो 30 का लेवल है उसको ये हिट करके आया, और फिर से प्राइस में जो मूवमेंट देखने को मिली उसके बाद प्राइस यहाँ पर 33 के लेवल तक गया हुआ है, इसके बाद प्राइस फिर से यहाँ पर डाउन में आया। तो ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, 30 जो लगातार यहाँ पर इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। वॉल्यूम आप देख सकते हैं 2 बिलियन डॉलर के अंडर आ चुका है, लगभग 1.5 बिलियन डॉलर, और 33% डाउन में। अगर हम मार्केट कैप देखें लगभग यहाँ पर 90 मिलियन डॉलर के ऊपर है, और 11 नंबर पर ये रैंक कर रहा है। ऑल टाइम हाई से अभी भी काफी डाउन है, लगभग यहाँ पर ये 64% आपको डाउन में देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ से इसका प्राइस बढ़ता है लगभग 250% के आसपास, ऑलमोस्ट यहाँ पर 300% के आसपास, तब जाकर ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है। मतलब 250% की अगर रैली देखने को मिलती है तो यहाँ पर ये नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन उसको अगर आप देखें अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी मार्केट जिस तरीके से बढ़ा हुआ है थोड़ी स्टेबिलिटी मार्केट में अभी देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से यहाँ पर जो अदर ऑल्ट कॉइन्स मीम कॉइन्स है काफ़ी बढ़ चुके हैं, थोड़ा यहाँ पर मार्केट जो है वो न्यूट्रल नज़र आ सकता है अभी के समय में। और कोई भी अपडेट के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।